लूटघर सीरीज में आज हम आपको नोएडा के एक ऐसे बिल्डर की धांति दिखाएंगे जो पिछले 10 साल से होम बायर्स को झांसा दे रहा है। जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में 19 टावर तैयार होने थे वहां 10 साल से नींव तक नहीं डाली गई। हैरानी वाली बात यह है कि खरीदार के फ्लैट का नंबर लगातार बदलता जा रहा है और उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं है। जब हमने बिल्डर के अधिकारियों से बात की तो 10 दिन के अंदर काम शुरू करने का वादा किया गया। हमने 10 दिन बाद भी तारीख नोट कर ली है और आपको एक बार फिर बताएंगे कि इस बिल्डर के इस नए वादे का क्या हुआ, लेकिन फिलहाल पूरी थानती आपके सामने। न्यू टाउन पटेल इंजीनियरिंग, चोर है चोर है, बिल्डर के ऑफिस के सामने नारेबाजी करते ये होम बायर्स बेहद नाराज हैं। नाराज इसलिए कि मोटी रकम लेकर बिल्डर ने इनसे किए वायदे पूरे नहीं किए। सालों से सिर्फ भरोसा दिया और भरोसे को तोड़ा। मकान मिलने की उम्मीद टूटती नजर आई तो इनके सब्र का बांध भी टूट गया। डर लगता है सपने देखने में, मर भी नहीं सकते और जी भी नहीं पा रहे ठीक से। सर हमें तो नहीं लगता ये सपना कभी पूरा हो पाएगा। उम्मीद तो हमें बिल्कुल भी नहीं लग रही कि पोजीशन हमें मिलेगी भी। कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है सर अभी तक तो। दर्द की ये दास्तान है ग्रेटर नोएडा में पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी की न्यू टाउन प्रोजेक्ट में एक आशियाने का सपना देखने वाले होम बायर्स की। 2010 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो 19 टावर बनने थे। आरोप है कि 10 सालों में कई टावरों की नींव तक नहीं डाली गई। घर मिलना तो दूर की कौड़ी नजर आता है। यूपी के प्रकाश सिंह जैसे खरीदारों का तो हौसला ही टूट चुका है। 2010 में 1125 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट बुक कराया, कीमत 30 लाख रुपए थी। ज्यादा से ज्यादा 30 महीनों में घर की चाबी दिए जाने का एग्रीमेंट मिला जिसमें देरी पर पेनाल्टी का भी जिक्र था। लेकिन यहीं से ऐसे भवरजाल में फंस गए जिससे आज तक नहीं निकल पाए। आरोप है कि पिछले 10 साल में बिल्डर ने उन्हें इतने धोखे दिए कि अब भरोसा शब्द से ही भरोसा उठ गया है। प्रकाश सिंह के मुताबिक पहले तो बिल्डर ने जमीन के मालिकाना हक के बगैर ही फ्लैट की बुकिंग शुरू कर दी। फ्लैट की डिलीवरी की डेट निकल गई लेकिन बिल्डिंग की नींव की खुदाई तक शुरू नहीं की। हंगामा करने पर बिल्डर ने 2012 में दूसरे टावर में फ्लैट देने का वादा कर 40 और महीने की मोहलत ले ली। फिर वो मियाद भी पूरी हो गई। परेशान होकर प्रकाश ने यूपी रेरा का दरवाजा खटखटाया, न्याय नहीं मिला तो NCDRC पहुंचे, थाने के चक्कर काटे, PM को चिट्ठी लिखी, बायर्स एसोसिएशन के साथ धरना प्रदर्शन तक कर लिया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। 2019 में बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट में एक पार्टनर को जोड़ लिया। बिल्डर ने बायर्स को पार्टी दी तो खुलासा हुआ कि जिस फ्लैट के कागजात उनके पास हैं वो किसी और को बेचा जा चुका है। प्रकाश का आरोप है कि बिल्डर बिना किसी पुख्ता एग्रीमेंट के बार बार उनका फ्लैट बदलता जा रहा है। उन्होंने पहले C2401 मुझे फ्लैट दिया था, 2013 में कंप्लीट करने का वादा किया था, नहीं हुआ। उसके बाद G21606 दिया, ठीक है, 2017 में कंप्लीशन के वादा था, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद का तो मुझे पता ही नहीं है कि इन्होंने कब कब शिफ्ट कर दिया और कहां कहां कर दिया। उस समय मेरी बेटी 2 साल की थी, हमने ये सोच के बुकिंग कराई थी कि 3 साल में पढ़ने लायक हो जाएगी तो हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और हमें अब तक घर नहीं मिला। मेरी बेटी अब 8th में जा चुकी है। पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी बहुत बड़ी है, इस कंपनी का 2010 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था न्यू टाउन करके। हम इस वक्त उस प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं और इस प्रोजेक्ट की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। वो प्रोजेक्ट किस तरह से फ्रंट की बिल्डिंग्स को बनाकर कंप्लीट कर दिया और पीछे का पूरा प्रोजेक्ट इसी तरह से बंद पड़ा हुआ है। पूरी के पूरा प्रेमिसेस आपको खाली मिलेगा। मैं किराए घर में रहता हूँ, मैं घर संभालूं, EMI दूं या रेंट दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया इस पटेल के इंटेंशनल फ्रॉड की वजह से। वहाँ रिप्लाई ही नहीं आता, कुछ कोई सुन नहीं रहा है। रेड़ा का जो ऑर्डर का आ रहा है उसका भी बिल्डर नहीं सुन रहा है। इस टाइम हम जॉबलेस भी हो चुके हैं, चलाना घर बहुत मुश्किल हो गया है, हमें EMI भी है, रेंट भी है, बच्चों के फीस, हम कैसे सर्वाइव करें। एक बार, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए वो हमारी जगह आके रह के देखे। बायर्स का कहना है कि बिल्डर ने अब उनका फोन तक उठाना बंद कर दिया है, साइट पर सिर्फ ठेकेदार मिलते हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम बिल्डर का पक्ष जानने के लिए उसके ऑफिस पहुंची तो बिजनेस मैनेजर ने कैमरे पर 10 दिन के अंदर काम शुरू करने और दिसंबर से फ्लैट के हैंडओवर का भरोसा दे दिया। लेकिन परेशान बायर्स इस बार झांसे में आने को तैयार नहीं दिखे। क्या स्टेटस है आपके प्रोजेक्ट का?
देखिए अभी फिलहाल हम लोग फिनिशिंग के लिए वेट कर रहे हैं और अगले 10 दिन में सर फिनिशिंग का काम तेजी से हो जाएगा स्टार्ट। लेकिन फॉर्म तो आपका बंद है पूरा, हम लोग तो आपके साइड से आ रहे हैं, तो कैसे आप 10 दिन में डिलीवर कर देंगे? नहीं 10 दिन में डिलीवर करने की नहीं मैं कह रहा, 10 दिन में जो रिज्यूम काम है वो स्टार्ट हो। कोई ये देते नहीं है पोजीशन और ये जितनी बार यहाँ पर आते हैं उतनी बार बेवकूफ बना के भेज देते हैं। कब तक डी देंगे? डी इन्होंने मुझे 2017 में देने के लिए बोला था, आज हो गया 2020 और अभी भी बोला डी हम दे देंगे। बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब हम जानना चाहते थे और उन्हीं जवाब के लिए हमने ये मेल किया था, लेकिन 24 घंटे बाद ना तो मेल का जवाब आया है, उल्टे साइट को बंद कर दिया गया और यहाँ तक कि बिल्डर का जो मेन कॉरपोरेट ऑफिस है वहाँ भी ताला लटका हुआ है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, नोएडा। देश के ये हालात वो नौकरशाह भी देख रहे होंगे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम उनकी भी खबर लेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं लूटघर सीरीज में। कल हम आपको बिल्डर की जालसाजी के शिकार ऐसे लोगों की दास्तान दिखाएंगे जो पिछले 2009 से अब तक अपने आशियाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। फर्जीवाड़ा कर फ्लैट बेचने वाले बिल्डर को जेल की हवा तो खानी पड़ी, लेकिन साथ ही पूरे प्रोजेक्ट को भी सील कर दिया गया। अब बायस क्या करें? अगर आपके साथ भी किसी बिल्डर ने धोखाधड़ी की है तो आप अपनी धोखाधड़ी की कहानी का एक वीडियो बनाइए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए या फिर ईमेल पे हमें संक्षेप में ठगी घटना बताएं ताकि सरकार की नींद खुले और जालसाज बेनकाब हो सके। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के, क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी।